हिमाचल में कल वोटिंग होगी 12 तारीख को, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पाँच साल माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया, लोगों के साथ जुड़ कर के, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, वहाँ पर एक जो कांग्रेस सपना सजाए हुए थी, कांग्रेस एक सपना सजाए हुए थी कि भी एक बार उनकी सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो सपना अब की बार बिल्कुल चकनाचूर होने जा रहा है कांग्रेस का। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही अच्छी मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में दोबारा से सरकार बने। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी ने बिजली बिल को लेकर के, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के अनेक लोक लुभावनी जो है ना वे अपने घोषणा पत्र में दावे किए हैं कि ऐसा होगा, तो क्या लगता है कि दोबारा से रिपीट पार्टी जो देखिए वो घोषणाएँ करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उनकी घोषणाएँ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बात कहेगी वो करके दिखाती है, और इसी वजह से हिमाचल के अंदर जो कहा वो करके दिखाया, और मुझे पूरी उम्मीद है 100% के दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नड्डा साहब का एक बयान आया है कि भाजपा जो है वो मिशन पर काम करती है और कांग्रेस जो है ना कमीशन पर काम करती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहा कि कांग्रेस सिर्फ बातें करती है और जब मौका मिलता है तो लूट खसोट की राजनीति से वो बाज नहीं आती, आपने देखा भी होगा, और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ हरियाणा में आप देखें, हिमाचल में आप देखें, लोगों में जोश देखें। अब हरियाणा में आदमपुर बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, ये मोदी जी की, हरियाणा सरकार की, मुख्यमंत्री जी की नीतियों की, उनकी योजनाओं की जीत। आदमपुर की जीत आप भाजपा की जीत बता रहे, लेकिन हुड्डा साहब तो ये कह रहे हैं कि इतनी वोटें लेकर के आदमपुर में जो इतनी वोटें मिली हैं कांग्रेस प्रत्याशी, तो अगला जो समय है वो कांग्रेस का है। देखिए धनखड़ साहब, हमारे पार्टी अध्यक्ष ने एक बात कही कि कांग्रेस हार में भी मजा ले रही है, तो हारने के बाद भी ऐसी बातें निकाल करके लेके आ रही है कि हारने के बाद भी उसको मजा आ रहा है, तो बिल्कुल वो छोड़ दे ये सपना लेना, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी।